तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी से हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूवर्स मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो जिनका जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारे डिवाइस में, मतलब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स ने क्या सवाल पूछा है। तो उससे पहले, अगर आपने हमारा कल का इवनिंग का वीडियो नहीं देखा है, जहां पर हमने Q&A सेक्शन रखा था, बहुत सारे सवाल पूछे गए थे जिनका जवाब मैंने दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसको भी थोड़ा प्यार और सपोर्ट जरूर कर देना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने क्या सवाल किया। तो सबसे पहला सवाल है, रेडमी 7 डिवाइस में एंड्रॉइड 10 प्लस MIUI 12 का जो अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, रेडमी 7 डिवाइस में MIUI 12 प्लस एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट है, सबसे पहले एंड्रॉइड 10 का अपडेट देखने को मिलने वाला था रेडमी के 7 डिवाइस में, वो भी अक्टूबर मंथ के दौरान में। पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि आप सभी अक्टूबर मंथ के दौरान में अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। हो सकता है कि आप सभी को MIUI 12 के साथ ही एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए। पर ऑलमोस्ट रेडमी नॉट 7 सीरीज में जो हो रहा है अभी, सबसे पहले एंड्रॉइड 10 का अपडेट प्रोवाइड करता है, उसके बाद ही MIUI 12 का। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि इस डिवाइस में जो अपडेट है वो डिले होने वाला है। अब देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके बाद अगला सवाल है, रेडमी Y3 में MIUI 12 प्लस एंड्रॉइड 10 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि रेडमी Y3 जो डिवाइस है, ये इंडिया में ही सिर्फ लॉन्च किया गया था, इसे चाइना में लॉन्च नहीं किया गया था, जिसके वजह से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है इस डिवाइस को लेकर। इसी के लिए हम आपसे भी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं, पर तो भी हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप सभी को एक्सपेक्ट करके बता रहे हैं कि हो सकता है अक्टूबर मंथ के दौरान में आप सभी को Y3 में अपडेट देखने को मिल सकता है और देखने को नहीं भी मिल सकता है। ये कंफर्म नहीं है, बस एक्सपेक्ट करके हम बता रहे हैं। अगर नहीं मिलता है तो नवंबर मंथ में हालांकि देखने को मिल जाना चाहिए, अगर नवंबर मंथ में भी देखने को नहीं मिलता है तो फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल है, रेडमी नॉट 8 में MIUI 12 अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। दोस्तों, रेडमी नॉट 8 डिवाइस में MIUI 12 का जो अपडेट है, Xiaomi का कहना था कि इसी अक्टूबर मंथ के दौरान में हम प्रोवाइड कर देंगे, पर अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब देखते हैं कब प्रोवाइड होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हमने बताया था कि आपसे वो कभी भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं ये अब सही होता है या गलत, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि Xiaomi के जितने भी सारे डिवाइस हैं जिनको MIUI 12 का अपडेट देखने को मिल चुका है, उन सभी डिवाइस में बैटरी ड्रेन का जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi के जो वर्किंग कोऑर्डिनेटर है, जो काम करते हैं, जो Xiaomi के सॉफ्टवेयर को देखते हैं, जो MIUI 12 पर अभी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ही दिन पहले ट्विटर पर एक ट्वीट किया था और उसमें यह कहा गया था कि Xiaomi के जो डिवाइस है जिनमें बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं, जल्द ही हम आप सभी को फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, जब तक आप सभी को नया कोई अपडेट देखने को नहीं मिल जाता है, तब तक आप सभी लोग अपने डिवाइस में थोड़ा एप्लीकेशनों का जो यूज है थोड़ा कम कर दें, और थोड़ा एप्लीकेशन ज़्यादा मोबाइल पर ना रखें, मतलब ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल ना करें, जब तक आप सभी को अपडेट देखने को नहीं मिलता नया अपडेट। उसके बाद अगला सवाल है, रेडमी 8 डिवाइस में अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। दोस्तों, रेडमी 8 डिवाइस में अपडेट है वो हो सकता है नवंबर मंथ के दौरान में देखने को मिल सकता है, ये कंफर्म नहीं है। अभी तक जितने भी सारे Xiaomi के डिवाइस हैं, सारे डिवाइस में अभी अपडेट जो है वो डिले हो रहा है। तो दोस्तों, यही सारे थे कुछ सवाल, तो जिनका जवाब मैंने आप सभी को दे दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।